1.5 लाख की गाड़ी नहीं ले सकता और कैश देना चाह रहा है, जिसकी हिम्मत है लेने के वही आरजे करता है और उसको ही परमिट, मतलब परमिट आप उसी को देते हैं जो एलिजिबल होता है नई गाड़ी के लिए, वो उसके लिए आपके पास क्राइटेरिया क्या है? एक अभी परमिट के लिए आपके पास अप्लाई करा तो वो नई गाड़ी लेने के लिए एलिजिबल है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया आपका? आपका बोलना ये आया कि नई गाड़ी वही लेता, नया परमिट वही बनाता, एलिजिबिलिटी एक ही है, उसके पास लाइसेंस चाहिए, बैच चाहिए, लाइसेंस सबके पास और परमिट ओपन है, अगर उसकी इच्छा है नई गाड़ी लेना है तो नया परमिट मतलब अप्लाई कर सकता है। आज के हिसाब से ये हुकूमत ने ये निकाला कि नया परमिट उसी ने लेना जिसकी नई जिसको गाड़ी लेने की इच्छा है, को इच्छा है उसी ने परमिट लाना है, क्षमता है कि मैं पैसे डालकर गाड़ी नया ले सकता हूँ या बैंक लोन थ्रू ले सकता हूँ, उसको नया परमिट मिलता है। मतलब कि अगर ऐसा सोचा जाए कि जिसके पास पैसा कम है वो परमिट के लिए उसने अर्जी नहीं करना, बैंक ने उसको अगर वो बैंक में जाना ही नहीं चाहता, कहना ऐसा है जिसको परमिट लेना है उसने पहले सर्वे करना चाहिए कि उसको धंधा मिलता है या नहीं, री रजिस्ट्रेशन है तय करना चाहिए कि परमिट लेना है और बाद में गाड़ी लेना है। अच्छा सर, एक बात, ये प्रदेश परिवहन कार्यालय के अंदर है और यहाँ के जो अध्यक्ष साहब हैं उनसे बात कर रहे हैं। सर हाल ही के अंदर चौकसी के अंदर कुछ बसेस को पकड़ के यहाँ लाया गया है जिसके वजह से जो है तो बहुत सारे बच्चों के एजुकेशन का नुकसान हुआ है और उसके अंदर कंडीशन ऐसी रखी गई है कि कुछ उसकी पात्रता थी, लाइसेंस नहीं था, पीयूसी नहीं थी, आप उसके लिए आपने दंड भी दिया है। जो गाड़ी पकड़ी गई है उनको परमिट नहीं था, उनको फिटनेस नहीं था, फिर भी बच्चों को वो स्कूल ले जा रहे थे, ऐसी गाड़ी चलनी नहीं चाहिए, बच्चों की सुरक्षा देखना हमारा काम है, आप ये मैसेज जनता तक पहुंचा दीजिए, जिस गाड़ी को परमिट है उसी से ही बच्चे का आना जाना होना चाहिए। सर ने सही कहा कि जिस गाड़ियों के डॉक्यूमेंट क्लियर है वो चलनी चाहिए, लेकिन एन इम्तिहान के वक्त आज मार्च और अप्रैल ये बच्चों के भविष्य का विषय होता है, आज एग्जाम चालू है, इन्होंने अभी 15 दिन पहले एक बस पकड़ी है जिसकी वजह से कम 100 बच्चों का एजुकेशन का नुकसान है। मैं सर से एक छोटा सा सवाल ये है कि आप पेनल्टी लेके भी डॉक्यूमेंट क्लियर करके भी 8 दिन के अंदर उस गाड़ी को रिलीज कर सकते थे, फिर उस लाइसेंस धारक को 60 दिन के लिए सस्पेंड करना, 90 दिन के लिए गाड़ी को बैन करना, ये कौन सा खाना? उनका गुनाह क्या है वो देखना पड़ेगा, उनका गुनाह अगर मोबाइल या रास्ता सुरक्षा के खिलाफ होगा तो उनके ऊपर जरूर इतनी लंबी कार्रवाई होनी चाहिए, उसी के जरिए ही शिस्त आ जाएगी, गाड़ी ऐसे नहीं चलनी चाहिए। बिल्कुल सर, आपका कहना सही है, लेकिन हमारा सिर्फ ये कहना है कि आज माँ बाप इतने काम में परेशान होते हैं, कुछ ड्यूटी वगैरह करते हैं, इस वजह से वो बच्चों को बस में भेजते हैं, तो बस के अंदर एक बच्चा नहीं जाता, 60-70 जाते और एकदम से जो है तो 60-70 बच्चों को जो है तो आपने बात सही की है, माँ बाप की भी जिम्मेदारी रहती है कि अपना बच्चा कौन सी गाड़ी से जा रहा है, सही गाड़ी से जा रहा है या नहीं, अगर कुछ हुआ तो आपकी भी जिम्मेदारी है, पहले आप तय कीजिए कि कौन सी गाड़ी से जाना चाहिए। फिलहाल एजुकेशन का मसला है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन जिस गाड़ी में से जा रहे हैं वो सुरक्षित ही जाना चाहिए, ये मैसेज आप तक हम पहुंचना चाहते हैं। बिल्कुल सही, सर ने सही कहा, लेकिन फिर मेरा ये कहना है कि सर इतनी इमरजेंसी में इतनी तत्काल के अंदर एक पिता जो काम में मसरूफ़ होता है और साल भर के पैसे दे चुका होता है स्कूल के माध्यम से बोलो या प्राइवेट के माध्यम से, वो इतने जल्दी से इतने बच्चे स्कूल वाले भी कवर कैसे करेंगे और इतने सारे माँ बाप 60-70 जो उनके पालन करता है वो सर कहाँ से अरेंज करेंगे प्लीज़? देखिए ये जो बस का चेकिंग है ये कभी ऐसा अचानक नहीं होता, पहले हम न्यूज़पेपर में आगाह करते हैं, उसके बाद नोटिस भेजते हैं, नोटिस भेजने के बाद फिर भी किसी गाड़ी चलती है तो वो गाड़ी
बंद करना जरूरी है।